हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस अभी आज तो बहुत ज़्यादा लेट उठा मैं, बिकॉज रात में ऑब्वियसली लेट सोए तो लेट ही उठेंगे। सो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, पता नहीं मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो पवन इन लोगों कॉल आया था, तो अभी वो लोग घर आए और दोनों ही नीचे खड़े हुए, पवन और आवेश। सो अभी दर्पण से चल रहा है साथ में। सो अभी निकलते, पता नहीं ये लोग कहाँ चलने का बोल रहे हैं। सो अभी देखते हैं कहाँ चलते, निकलते हैं घर से। हाँ कहाँ चल रहे हैं अपन लोग? शूट पर। शूट पर रील्स बनाने? यस। कल रात को नहीं बन पाई थी क्या? तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा हेट दो, इसके इंस्टाग्राम आईडी है ज़ेन, वहाँ पे जाके ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट मारो और ज्यादा से ज्यादा हेट दो। नहीं रिपोर्ट मारो, चैनल ब्लॉक करवाओ। हाँ ज़ेन मोहन नाम से इसका इनका चैनल है, उसपे खूब रिपोर्ट मारो, डिसलाइक मारो वीडियो को। और ज़ेन नाम से इसका अकाउंट भी इंस्टा पे, वो भी डायरेक्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। ओके गाइस अभी मैं आवेश इन लोगों के साथ गया था, सो वहाँ से तो वापस आ गया, बिकॉज अभी खाना वाना खाना तो मेरे को पापा ने कॉल किया था, मैं वापस आ गया था उन लोगों के पास से। सो अभी पापा तो बाहर गए, उनको कॉल आया था कि मेरे लॉकर की चाबी खराब हो गई है, इधर जाओ भैया। मेरे लॉकर की जो चाबी है वो खराब हो गई, तो पापा ने भैया को भेजा है, सॉरी भैया बनाएंगे चाबी नहीं। चॉकलेट। ओके गाइस फाइनली अपना लॉकर खुल गया है। भैया मना कर रहे थे क्योंकि उसकी चाबी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बोल रहे थे कि जो मेरे उन भैया के पास जो कीस थी उससे खुलता नहीं, वो बोल रहे थे। पर पता नहीं उन्होंने चाबी अभी लगाई, भैया तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं खुल पाएगा बिल्कुल भी आपका ताला, थोड़ा अलग टाइप का है, उसको अलग वे में खोलना पड़ेगा थोड़ा, और मेरे पास वाली कीज़ है नहीं। पर भैया ने थोड़ा ट्राई करा तो लॉकर खुल चुका है, एंड मैंने पापा को कॉल लगे बताते पापा लॉकर खुल चुका है, तो फिर अभी भैया तो निकल गए। अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, एंड ये वाली जो टी शर्ट है मेरी फेवरेट है, बाकी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, उसको पापा ने ऐसी दिलवाई थी, मैं भी लेने गया था, फिर देन मुझे मिली ही नहीं। सो ये मैंने उसकी पहन करके इसमें पहन रखी थी, मैंने उतर वाली और मैंने पहन ली, एंड ये बहुत फिट आती है मुझे। इसी वजह से बाय द वे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इतनी अच्छी फिजिक भी नहीं है, जितने भी है फुल ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क किए जो भी मैंने किया है। सो अभी तो मुझे पवन लेने आ रहा है, उसको कुछ काम है, सो आ जाए देन आप लोग से डायरेक्ट मिलते हैं। ओके सभी अभी फाइनली आ चुका है पवन, तो नहीं पवन के पास गाड़ी नहीं थी, सो मैंने उससे बोला तू मत आ, मैंने आवेश कॉल किया, आवेश अभी आ चुका है, एंड मुझे अपने फ़ोन का ग्लास गार्ड भी चेंज करवाना है, बिकॉज मेरा फ़ोन 2-3 बार गिर चुका है, तो टूट गया और मैं चेंज कराने का टाइम नहीं मिलता था, भूल जाता था बार बार। सो अभी चलते हैं, इसको चेंज भी करा लेते हैं, एंड आवेश तो अभी खाने वाला है मेरे हाथ से थपाड़े, क्योंकि बहुत लेट आया ये। शॉप पे तो आ चुका हूँ मैं, चढ़ा वाले थे फटाफट अपन ग्लास, मेरे मोबाइल पर टेम्पर तो चढ़ गया, अब यहाँ से डायरेक्ट घर निकलना है। ओके गाइस फिलहाल तो मैं अभी घर आ चुका हूँ, एंड अभी उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया, सो अभी खाना वाना भी खा लिया है, सब सो जाता हूँ क्योंकि बिकॉज सुबह से भी इधर काम में भी लगी थी, आज एक और फंक्शन था, आज खाना था उसमें लगे हुए थे, एंड अभी खाना वाना सब कुछ खा लिया है। सो अभी मैं डायरेक्ट सोऊंगा, एंड इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगला ब्लॉग में मैं भी जागूंगा नहीं, बिकॉज सर भी सुबह से मेरा सर दुखी रहा है कंटिन्यू। सो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, इस ब्लॉग को मैं सुबह जल्दी उठ के एडिट कर लूँगा, देन पोस्ट कर दूँगा, टाइम से अपलोड कर दूँगा इसे। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड ब्लॉग को लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।